दोस्तों, आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों, मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों, इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर, चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पर है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालाँकि अभी ये मूवी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है, जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी, और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है,
और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की ज़िंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि यह आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के
कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, बी एम वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जीवघाटों की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मेन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं।
खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हाइप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हाइप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं, तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं
और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकता है। मूवी का नाम है जीव गाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वुड पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वुड या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हाइप में चलती है जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हाइप बनता रहता है और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीव गाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जीव गाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीव गाटो में खाना पहुँचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं, तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से
फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी।
अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जिवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जिवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जिवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जिवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है, पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएंगी।
क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा।
ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था। लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी फिर भी। तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटों की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की ज़िंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले में से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है,
और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी, और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है, और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में, कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है, और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर ले कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी, और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही
यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है, इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीव गाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं। झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है। ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है, जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी
प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी फिर भी। तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें, कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राट, परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटों की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है।
इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था। लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों, इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर, चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे, इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि यह आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें, कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है, जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी, और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है, इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है, इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है, और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है, जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले में से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों, जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा
या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों, मूवी काफ़ी बढ़िया थी, और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों, इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है, और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर, चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में, कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पर है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर है, और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है, जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें, तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी, और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल कूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, सॉरी फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है।
लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक ज्यूगाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती हैं और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है ज्यूगाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वुड पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वुड या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है
और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें, कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, भरा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जीवघाटों की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की ज़िंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था Viacom & 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे।
बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हाइप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हाइप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर ले कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटों की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की ज़िंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में
तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, बीएम बैसाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राट, परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुँचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि यह आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ,
परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जिवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जिवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं। झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है। ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जिवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जिवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी
देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जिवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल कूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, सॉरी फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं, और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जिवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जिवघाटो में खाना पहुँचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की ज़िंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जिवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था
और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था क्योंकि जो जीवघाटों की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में
शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी, उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वुड पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वुड या फिर जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी।
और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नजर आते हैं, सॉरी फूड डिलीवरी करते हुए नजर आते हैं। और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीव गाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है, जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे, या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको
और सोनी लिवर पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाल गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हाइप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, फिर भी तो यहाँ पर हाइप बनता रहता है और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा रात और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है,
इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि यह आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हाइप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी फिर भी। तो यहाँ पर हाइप बनता रहता है और कंपटीशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी। इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं, झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है, ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटो में खाना पहुँचाने का काम मिलता है और वह उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं, तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की ज़िंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है, ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों, जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी सारे शो में काम भी किया हुआ है। आज हम इनकी एक शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये मूवी कहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी रहने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मूवी का नाम है जीवघाटो। इस मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हुई थी, और मूवी की जो कहानी है वो ड्रामा के ऊपर बनाई गई है। वैसे अगर आप लोग कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो हो सकता है कि आपने अब तक इस मूवी को देख लिया हो, बाकी अगर नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, मैं आपको आगे बताऊँगा ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों, मूवी काफ़ी बढ़िया थी और मूवी के अंदर जो कपिल शर्मा है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका लुक भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन किरदार यहाँ पर इन्होंने निभाया हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी की जो मैन कास्ट है उसके अंदर आपको कपिल शर्मा ही देखने को मिलता है। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो कुछ खास नहीं हुआ था, लगभग 4 करोड़ का कारोबार इस मूवी का हुआ था। मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था नंदिता दास, दीपक सहगल और समीर नायर ने, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था वियाकॉम एंड 18 स्टूडियो ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नंदिता दास ने, जिनको आप जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, मूवीज़ देखते आ रहे होंगे बॉलीवुड की, तो इन्हें जानते होंगे। बॉलीवुड के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ बनाई है, जैसे कि मैंटो, फायर, अर्थ, बिफोर द रेंट्स, ऐसी वो बहुत सारी शानदार मूवीज़ दे चुके हैं। और दोस्तों, इन्होंने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनाई हुई है और साउथ की मूवीज़ भी कुछ वो बना चुके हैं। खैर, चलिए बात करते हैं इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कि अगर हमें इस मूवी को देखना है तो कहाँ पे ये मूवी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो अभी ये मूवी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, ना ही अमेजन प्राइम पे है, ना ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है और ना ही वूट पे है। पर यहाँ पर चांस बनते हैं कि ये मूवी बहुत जल्दी आपको वूट या फिर जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो वियाकॉम थे। या चांस बनते हैं क्योंकि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो थे, इन्होंने बहुत सारी मूवी सोनी लिव को दी हुई है, तो चांस बनते हैं कि ये आपको सोनी लिव पर भी देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ये मूवी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जो भी क्लिप मिल जाएंगे वो ऑफिशियल क्लिप नहीं होंगे, वो कोई रिकॉर्ड कर दिया होगा फिर बाद में डाले गए होंगे, ऐसे क्लिप आपको मिल सकते हैं। बाकी ये फुल मूवी अभी कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी ये मूवी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक ये मूवी आ जानी चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कोई मूवी जो चलती है उसके लोग राइट्स नहीं लेते हैं, या फिर कोई बड़ी मूवी आ जाती है जो हैप में चलती है, जैसे कि द केरला स्टोरी, जिसे अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। फिर भी तो यहाँ पर हैप बनता रहता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है मूवी की या फिर वैल्यू कम होती है, और इसी के चलते मूवीज़ हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आगे मूवी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लें कहानी के बारे में और इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर कपिल शर्मा, साहना गोस्वामी, BM वैशाली, तुषार आचार्य, किशोर कुमार स्वामी, सयानी गुप्ता, गोल पनंग, हरा राठ, परा राठ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस मूवी की कहानी भी काफ़ी दमदार है जो आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर हम लोग मूवी के बारे में थोड़ी बात करें तो छोटे पर्दे पर सभी को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म जीवघाटो थिएटर में रिलीज़ बहुत पहले हो चुकी थी, और अपलोज मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ये जो मूवी है इसके निर्देशन नंदिता दास ने किया था। फिल्म में कपिल फूड डिलीवरी करते हुए नज़र आते हैं और फिल्म देखने से पहले ही यहाँ पर आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। कपिल शर्मा की जो ये मूवी है इसका लोगों ने खूब वेट किया था, क्योंकि जो जीवघाटो की कहानी है उन पर लोगों की ज़्यादा ध्यान दी थी,
इस फिल्म में कपिल शर्मा मानस का रोल निभा रहे होते हैं। झारखंड के ओडिशा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोरोना की महामारी के कारण मानस की नौकरी चली गई होती है। ऐसे में मानस पिछले 8 महीने से बेरोजगार बैठा होता है। लंबे इंतजार के बाद मानस को फूड डिलीवरी का एक जीवघाटों में खाना पहुंचाने का काम मिलता है और वे उसे काम करने लगते हैं। तो काम शुरू होने के बावजूद भी मानस की मुश्किलें कम नहीं होती है और उल्टा बढ़ती जाती है। बतौर फूड डिलीवरी ड्राइवर मानस की मुलाकात कहीं असभ्य ग्राहकों से होती है जो कि मानस के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मानस अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहता है और लोगों को समय पर खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। कभी देर होने पर मानस भी पगार से पैसे काट लिए जाते हैं। तो कभी कस्टमर से फीडबैक में अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं आता है तो उसकी कमाई पर भी असर होती है। फिल्म में मानस की पत्नी प्रतिमा घर के खर्चों को हाथ बटाने में शॉपिंग मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करती है। अब मानस की जिंदगी उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस पूरे मामले ने से अपने परिवार के साथ कैसे उभरता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और मूवी को एक बार देखा जा सकता है। ये मूवी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कोरोना के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब ये मूवी ऑफिशियल आती है। दोस्तों जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाता है कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा या फिर जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा।